मंदी की मार झेल रहे बिल्डर्स आज एफएआर बढ़ाने की मांग को लेकर टाउन एंड कंट्री विभाग के निर्देशक से मिले। बिल्डर्स एसोसिएशन ने मांग की है कि एफएआर एरिया बढ़ाया जाए। उन्होंने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री ने चौथी मंजिल की अनुमति तो दे दी, लेकिन विभाग के अधिकारियों ने एफएआर एरिया नहीं बढ़ाया। बिल्डर्स एसोसिएशन अपनी किन मांगों को लेकर टाउन एंड कंट्री विभाग के निर्देशक से मिले, इस बारे में खास बातचीत की हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने नरेंद्र यादव से। मंदे की मार, दूसरा फ्लोर एरिया ना बढ़ना बिल्डर्स को हजम नहीं हो रहा। इस समय मेरे साथ हैं नरेंद्र यादव, इनसे जानते हैं कि वो ये बात क्यों कह रहे हैं। अभी पिछले साल गवर्नमेंट ने गुड़गांव और हरियाणा के अंदर चौथा फ्लोर बनाने की अनुमति दी थी, पर चांस की बात ये रही कि गवर्नमेंट उसके साथ साथ एफएआर बढ़ाना भूल गई। तो अभी जब घर बनाने में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, तो हमने डायरेक्टर साहब से मुलाकात की और उनसे रिक्वेस्ट की कि जो एक घर बनाने के लिए जितना एफएआर सफिशेंट है उतना देना चाहिए। हमने डिमांड की है कि 1.98% जो कि अभी है वो 300% होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ पूरे एनसीआर के अंदर गुड़गांव एक ऐसी जगह है जहां पे एफएआर सबसे कम है। आज गुड़गांव के अंदर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ज़मीनों के रेट बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए एक सफिशेंट एफएआर मिलना चाहिए जिससे कि एक लीगल घर बन सके और कोई भी एक्स्ट्रा कवरेज उसके बाद ना करे। यादव, जिस तरह भी आपने कहा है कि सरकार ने एक फ्लोर तो बढ़ा दी है लेकिन एफएआर नहीं बढ़ाया है, तो ये किसकी कमी है, अधिकारियों की कमी है या सरकार की कहना का कमी रहेगी? इसमें तो मैं यही कहना चाहूँगा कि शायद हम लोगों की तरफ से भी कमी थी और सरकार की तरफ से, तो मुख्यमंत्री जी ने चौथा फ्लोर खोल ही दिया था, इंडिपेंडेंट रजिस्ट्री भी अलाउ की थी। कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट को जब चौथा फ्लोर खोला गया तो डिपार्टमेंट को भी अपनी तरफ से एफएआर बढ़ाना चाहिए था, और हमने तो बल्कि प्रपोजल भी अपनी तरफ से ये रखा है कि जो नया एफएआर आ रहा है एफएआर परचेजेबल हो, जिससे कि जो पैसा एफएआर के लिए जाए सरकार को उससे उस एरिया का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की वहाँ पर कोई कमी ना हो। अभी भी हम लोग जब से ये चौथा फ्लोर आया है करीब करीब 100 करोड़ से ज़्यादा ईडीसी इसके लिए जमा करा चुके हैं और गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट भी करते हैं कि वो पैसा जो ईडीसी के नाम पे जमा हुआ है वो उस एरिया के ऊपर लगाया जाए ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर हो। और आज अगर गवर्नमेंट एरिया ना बढ़ाए तो भी 4 फैमिली अलाउड हैं, 4 फैमिली रहेंगी, घर चाहे छोटा हो या बड़ा हो, मजबूरी में लोग उसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं। अगर एक सफिशेंट एफएआर सरकार देती है तो हम सरकार का उसके लिए थैंक्स करेंगे, स्वागत करेंगे, और हम चाहते हैं कि जो एफएआर बढ़े हम पैसा दें, इससे गवर्नमेंट को भी फायदा है और वहाँ के रेजिडेंट्स को भी फायदा है। यादव जी, जिस तरह आज आप डायरेक्टर को मिले हो तो सरकार ने फोर्थ फ्लोर तो अलाउ कर दिया लेकिन अधिकारियों ने एफएआर नहीं बढ़ाया, क्या अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की भी मांग की है क्या आपने? नहीं, अभी क्योंकि हमने तो आज पहली बार इनको डायरेक्टर साहब को दिया है, पहले डीटीपी गुड़गांव को दिया था, अभी मांग रखी है। अगर लगता है कि फ्यूचर में, वैसे तो उम्मीद करते हैं, सरकार पॉजिटिव है, मुख्यमंत्री जी बात सुनते हैं, पहले भी उन्होंने चौथे फ्लोर के लिए परमिशन दी थी और उम्मीद करते हैं कि एफएआर बढ़ाया जाएगा। अगर लगता है कि एफएआर नहीं बढ़ाया जा रहा है तो उसके लिए फिर जरूर आगे सरकार से मिलेंगे और कार्रवाई की मांग करेंगे। ये थे मेरे साथ नरेंद्र यादव, इन्होंने कहा है कि आज बिल्डर एसोसिएशन अधिकारियों से मिली है और मांग की है कि एफएआर बढ़ाया जाए। कैमरामैन संजय के साथ अनिल कुमार, टोटल न्यूज़ चंडीगढ़।